तक रहने वाले हो आप जी? आप लोग कौन कौन आए हो? बस मैं, मेरी नानी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा, हमको से तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ कवर्धा जिले के अंतर्गत, आप लोगों को 18 किलोमीटर के अंतर्गत पड़ेगा बरेली करके, बरेली नहीं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं है, रबेली करके आप लोगों को एक गांव मिलेगा, जहां पर बताया जा रहा है कि मेला एक भव्य तरीके से बहुत आयोजन हो रहा है। आप पीछे की भीड़ आप देख सकते हैं, और साथ साथ यज्ञ भी हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त माहौल है, यहां का माहौल आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और आगे की तरफ आप लोग को लेके चलता हूं, कितना ज़्यादा माहौल है, क्या है, आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस साइड पीछे की ओर देखेंगे, आप लोगों को पार्किंग की सुविधा अभी नज़र आ रही होगी, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ का। भीड़ ऐसे लग रहा है महाकुंभ मेला है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो नागा साधु लोग भी आए हुए हैं, और बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो चलिए, आप लोगों को आगे की साइड लेकर जा रहा हूँ, और दिखाता हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है, कैसा है। तो चलिए, फिर वीडियो पर बने रहिए। आगे जो मैंने देखा, और भैया तो अपन एंट्री कर लिए हैं मेले में, और इस मेला जो यज्ञ है ना, वो 21 कुंडील श्री गणेश महायज्ञ के नाम से जाना जाता है। और मैं साथ साथ गमछा रख गया हूँ, क्योंकि अपना फ्रेंड फॉलोइंग इतना बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या बोलते हैं, फ्रेंडली। अरे कहना क्या चाहते हो? मिल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, और भीड़ की बात करें तो भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, 21 कुंडीय श्री गणेश महायज्ञ करके ये सब लिखा हुआ है। और सबसे पहले तो यज्ञ कहाँ हो रहा है इसको पता करना है अभी अपने को। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, फिर झूला उला की तरफ आप लोग को लेके जाऊंगा। और पता नहीं यज्ञ कहाँ हो रहा है, किसी से पूछते हैं। चलो आगे की तरफ। यज्ञ कहाँ होते भाई? वो आगे में आगे, ये मतलब किस टाइप के यज्ञ कराते हैं? काबा कराते हैं? ये फंस गया सी है, इसे काबा कराते हैं जी। साधु बाबा कहाँ के है रे? आगे की साइड देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़, ऐसे लग रहा है महाकुंभ मेला है नहीं? आप देख सकते हैं इस महायज्ञ में कितनी ज्यादा भीड़ है। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल की तरफ। और यहाँ पर जो भैया है उनसे पूछते हैं, भैया कैसे लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आया। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मतलब आप भी आइए, बाबा का दर्शन कीजिए। अभी ये जो चलेगा वो कितने दिन तक चलेगा? 2 दिन तक ना? 2 दिन चलेगा। हाँ, 2 दिन तक चलेगा। और पीछे की तरफ आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं, महाकुंभ मेला है तो अपने बच्चों को संभाल के लाएं, क्योंकि यहाँ घूम गए ना तो बहुत दिक्कत हो सकता है। और भीड़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आसपास के, जितने भी कवर्धा जिले के हैं आसपास के, पूरे यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए फिर आप लोग को और आगे की तरफ घुमाता हूँ, और दिखाता हूँ यहाँ का माहौल। मजा आ रहा है। कहाँ से हो? यही से, रबेली से। रबेली से? मतलब ये आयोजन जो हो रहा है किस टाइप का हो रहा है? बहुत भव्य हो रहा है। आदमी एक कुंड का तो यज्ञ बहुत आसानी से करवा लेता है, लेकिन 21 का हो रहा है नहीं? चलो ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ बहुत ज्यादा भीड़ आप लोग को नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर
श्रद्धालु गण आए हुए। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। आजकल के दिन में तो आप देखेंगे तो जहाँ भी कुछ हुआ बहुत ज्यादा तुम्हें जो मैंने देखा ज्यादा भीड़ हो ही जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और बाकी आपको आगे की साइड ले जा रहा हूँ जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। साइड देख रहे हैं जो हो रहा है 21 कुंडिया गणेश भगवान का महायज्ञ हो रहा है। पास पे आप लोग को ले जाके दिखा रहा हूँ आखिरकार किस तरीके से जो 21 कुंडिया महायज्ञ हो रहा है उसको आप लोग को दिखाता हूँ। एंट्री का पहले देखते हैं जुगाड़ आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर एंट्री लिया जा रहा है। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आगे की साइड भी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। जय गजानन श्री गजानन। प्यार भाई लोग मिल गए आपको। जय गजानन श्री गजानन। ठीक है भाई भेजते हैं ना। जय गजानन श्री गजानन। इस साइड आप देख सकते हैं ये है 21 कुंडिया जो महायज्ञ हो रहा है ना, यही सब हो रहा है। आप लोगों को थोड़ा बैक कैमरेज दिखा देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को बैक कैमरेज दिखा कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका प्रणाम कर रहा हूँ। आप भैया माताओं के कतार में ना चले, माताओं के कतार पर ना चले, माताओं के कतार पर ना। बताइए आपका नाम बताइए। वो नाम ही नहीं है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं है नाम अलग आपका व्यवस्था दिया गया है। कहाँ से आए हो? कवर्धा। कवर्धा से? हाँ। कौन कौन आया हुआ? बस मैं, मेरी नानी और हाँ। मेरे ऑल फैमिली। अरे फ्रेंड लोग नहीं है आपके? फ्रेंड नहीं है, नहीं, इतने सारे हैं। हाँ। बड़े हरामी हो बेटा। तो जो मैन साधु है ना, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं पहले। वाली बेइज्जती। कहाँ हो? हम लोग के लिए भी काम है। हाँ ठीक है ना। पीछे की झोपड़ी देख रहे हैं यहीं पर जो बाबा जी है ना वो यहीं पर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण तो मैं अंदर नहीं जा सकता। पब्लिक बहुत ही ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर, तो चलिए सीधा निकलते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ आगे का सीन। यहाँ भीड़ के कारण कुछ तो होने जाने वाला नहीं है। Later. कहाँ से हो आप लोग? आई एम नागा। इधर आजा। काशी। इधर आजा। क्या बोलता? अब आना खाड़ा से आया। सब बंदर सुनाओ बाबा, आना खाड़ा काशी। बाबा सुदर्शन गिरी आज ध्यान देना। श्री श्री 108 श्री सियाराम दास महाराज की जय। और कहाँ से हो भैया आप? मैं पंडरिया से हूँ। पंडरिया से हो जी। इनके जो जो करवा रहे हैं महायज्ञ, जिनका नाम शुभ नाम ध्यान कर श्री श्री 1008 श्री सियाराम ध्यान कर जगत कर जगत बंगाली से। मतलब कैसे टाइप के, मतलब हर साल होता है क्या ये? इसका तो यज्ञ होते रहता है, इसका ना अंत है ना आदि है। जी जी जी। क्योंकि महाराज जी का समाध्य यही है कि वो लोग यज्ञ कराते रहते हैं। हाँ, कहीं भी इनका मूड हो हमेशा के लिए यज्ञ कराते रहते हैं। इनका 3 महीना में एक यज्ञ होना ही है श्री गणेश यज्ञ। और इस बार तो माहौल काफी ज्यादा है, मतलब ऐसा लग रहा है महाकुंभ मेला जैसे होता है ना। जी जी। इसी तरीके लग रहा है ये भी, मतलब जी भक्तगण को देख कर है ना। जी जी ठीक है चलिए। यहाँ ऐसा है कि महाराज जी का अभी फिर से शुरुआत होने वाला है, एक और यज्ञ छत्तीसगढ़ में जी चालू होने का शुरुआत हो गया है। क्योंकि महाराज जी का यज्ञ तो हर प्रांत में भारत में होते ही रहते हैं।
का बहुत बड़ा आश्रम भी है, हिंगोली में है, खाकी बाबा करके है जी। और जैसे ये यज्ञ कब से चालू है? यज्ञ अपना 12 तारीख से चालू, 12 तारीख से चालू है। अभी कब तक चलेगी? 21 तारीख, 21 दिसंबर तक चलेगी जी। आप भी यहाँ आ सकते हैं, 21 तारीख तक ये जो महायज्ञ है ना वो होने वाला है। तो चलिए आप लोग को आगे की साइड ले जाता हूँ। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम है ओमपुरी नागा बाबा। कहाँ से आए हो आप, कहाँ से आए हो? मेरे गुरु जी का नाम है श्री महंत थानापति अकलेश्वरपुरी, जिनका आश्रम पीथमपुर छत्तीसगढ़ में है। और हमारा आश्रम है श्री पंतसनाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश। और आप कब तक रहने वाले हो आप जी? आप लोग कब तक रहेंगे? हम यहाँ 21 तारीख तक रहेंगे। 21 तारीख का उसके बाद कहाँ चले जाओगे आप लोग? इसके बाद हम पूजा भजन में चले जाएंगे। चलिए कभी कभी निकलते हैं हम लोग, नागा बाबा है जी जी, श्री पंथसनाम जूना अखाड़ा के नागा बाबा है जी। आप लोग यहाँ जो आ रहे हो यज्ञ हो कितनी बार है? हमारा ये तीसरी बार यज्ञ, तीसरा बार यही बार, तीसरी बार यज्ञ है। हर बार जो होता है 21 कुंड का यज्ञ होता है जी, हर टाइम होता है। और इंक्यामल कभी कराते हैं महाराज जी, बड़ा बड़ा यज्ञ कराते हैं महाराज जी, बड़ा बड़ा यज्ञ कराते हैं हमारे महाराज सिया रामदास जी। और संतों को बहुत प्रेम करती हैं और संतों को दूर दूर से बुलाते हैं, संतों को बहुत प्रेम करते हैं, संतों को दूर दूर से बुलाते हैं और संतों की पूरी व्यवस्था करते हैं, जिनको कोई कष्ट ना हो, ठंडी में कपड़े हैं,